चलिए अब आपको इस पीडीएफ से बता देता हूँ कि कौन सा क्रम कैसे होगा, ठीक है, किसके बाद क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के इस पीडीएफ का जितना भी क्रम है इसे आप लिखते जाइए, या फिर इस पीडीएफ का जो लिखा हुआ क्रम है इसको प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए 7143 लास्ट में, ठीक। ये नंबर आपको 10 अंकों का लिखा हुआ नंबर है, इसमें आप लिख कर भेजिए पूजन क्रम पीडीएफ। क्या लिखेंगे? पूजन क्रम पीडीएफ। इतना लिख करके आप भेजेंगे तो उधर से एक लड़का आपको जवाब देगा, और जवाब में आपको एक स्कैनर भेजेगा। क्या भेजेगा? स्कैनर। उसी स्कैनर पर आपको 21 रुपए भेजने पड़ेंगे। कितना? 21, 21, 21 रुपए आप भेज देंगे तो वो लड़का आपको पीडीएफ देगा। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, और ये सारा क्रम जो है उसको आप क्रम से लिख लीजिए, ठीक। लिखेंगे तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, अन्यथा आप पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक। चलिए बताते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पूजन के लिए बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यदि आपको थोड़ा सा हदस वगैरह लग रहा है, अंदर से डर लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि क्या करें, कैसे शुरू करें, ऐसा कुछ मन में आ रहा है, तो सबसे पहले आप जयकारा लगाइए। क्या करिए? जयकारा, जयकारा लगाइए, जो आपके फेवरेट देवता हैं उनका सबसे पहले जयकारा लगाइए। जैसे मैं पूजन में बैठता हूँ तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो इस तरह किसी भी देवता का, माता जी का है, किसी का हनुमान जी का है, ठीक। सबसे पहले क्या करिए? जयकारा लगाइए। जयकारा लगवाने के बाद फिर शुरू करिए मंगलाचरण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा, इस तरह से मंगलाचरण आप बोलिए। मंगलाचरण चरण बोलने के बाद बोलिए अथ पवित्रीकरणम। पवित्रीकरण क्या होता है? अपने ऊपर, यजमान के ऊपर तथा सामग्री के ऊपर जल छोड़ने को बोलते हैं पवित्रीकरण। किससे छोड़ना चाहिए? कुसा से। कुसा कुसा ना हो तो आम की पत्ती या दूर्वा या फिर फूल से छोड़ना चाहिए, ठीक। पवित्रीकरण जल छोड़ने के बाद फिर क्या करें? त्रिराचम्या त्रिराचमन, ठीक, तीन बार आचमन। आप सबको मंत्र पता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, तीन बार बोल करके दाहिने हाथ से जल पी लेना चाहिए, और लास्ट में बोले हस्तो वृक्षालय ऋषिकेशाय नमः, ठीक, यह बोल करके और हाथ धुल लेना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है आसन शुद्धि का। अपने आसन के चारों तरफ जल डालें या फिर आसन के नीचे जल डाल लें। फिर पवित्री धारणम। पवित्री होती कुसा की बहनी बनी हुई होती है, तो एक तीन ताक की होती, एक दो ताक की होती। तीन वाले को हम लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, मतलब बाएं साइड पहनते हैं बाएं हाथ में, और जो दो ताक की बनी हुई होती है उसको हम दाहिने हाथ में धारण करते हैं, ठीक। फिर यजमान को तिलक लगाते हैं। क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। ये सारा क्रम आप लिखते जाइए, आपको पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तिलक लगाने के बाद शिखा, शिखा जिसे हम लोग शुद्ध शुद्ध देहाती में बोलते हैं चुंदई, ठीक, तो शिखा बांध लेना चाहिए। बांधने योग हो तो, ना बांधने योग हो तो केवल हाथ स्पर्श कर ले शिखा में, बस, ठीक। फिर करना चाहिए प्राणायाम। क्या करना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम आप सब जानते होंगे, रामदेव बाबा को देख लीजिए, बहुत ढेर सारे प्राणायाम सिखा देंगे, जिसमें से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, ठीक। प्राणायाम करने के बाद हाथ को धुला जाता है, इसलिए हाथ धुल लेंगे। प्राणायाम के बाद क्या नंबर आता है? रक्षा विधान। अब रक्षा विधान जो है उसको हमने कोष्ठक में कर दिया, क्यों? क्योंकि देखिए रक्षा विधान जो है ना, ये प्रत्येक पूजन में नहीं किया जाता, जो थोड़ा बड़े पूजन होते हैं, विस्तार के पूजन होते हैं, उसमें करते हैं। अब सत्यनारायण कथा करवाना है, रुद्राभिषेक, तो इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है, छोटी पूजाओं में आवश्यक नहीं होता है रक्षा विधान। रक्षा विधान बड़ी पूजाओं में किया जाता है, श्राद्ध इत्यादि में किया जाता है। श्राद्ध चाहे जितनी छोटी हो, श्राद्ध में जरूर रक्षा विधान करना चाहिए, ठीक। अब बात करें जैसे कि क्रम की, कि यहीं पर रक्षा विधान करना चाहिए, इसके बाद करना चाहिए रक्षा विधान। जैसे श्राद्ध इत्यादि कर्म में कर रहे हैं तो श्राद्ध पिंडदान से पहले किया जाता है, और कहीं कहीं बड़ी पूजाओं में जो है प्रधान देवता से पहले रक्षा विधान करते हैं, और कहीं कहीं जहाँ पर हमने लिखा है इसी क्रम से कर देते हैं, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं। रक्षा विधान करें या फिर ना करें, उसके आगे फिर करें मंगल मंत्र का पाठ। आनो भद्र से शुरू करें या फिर स्वस्ति न इंद्रो से शुरू करें, ठीक।
यहाँ शुरू करके और मंगल मंत्र या मंगल नाम स्मरण इसके बाद करेंगे। मंगल मंत्र का जब पाठ हो जाए, स्वस्ति वाचन हो जाए, उसके बाद मंगल नाम कौन से हैं आप सब जानते हैं। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इसे हम मंगल नाम बोलते हैं। ठीक, इन नामों से अक्षर छोड़ते हुए फिर करेंगे नमस्कृत्य। नमस्कृत्य क्या है? जिसमें हम लोग भगवान गणेश जी के द्वादश नाम लेते हैं, भगवान गणेश जी के स्मरण करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मंगल श्लोक। ठीक, तो मंगल मंत्र के बाद मंगल नाम और मंगल नाम के बाद मंगल श्लोक का पाठ करेंगे। बड़े प्रेम से, सुमुखश्चैकदन्तश्चा कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। इस प्रकार से प्रेम से भगवान गजानन के 12 नामों को बोलना चाहिए। उसके बाद करना चाहिए प्रधान संकल्प। प्रधान मतलब सबसे बड़ा संकल्प, क्योंकि प्रथम संकल्प होता है। इसमें हम लोग संकल्प करते हैं कि हम भगवान, हम सभी एकत्र हुए हैं, इतने ब्राह्मण, यजमान, यजमान सब परिवार, पत्नी सहित, यजमान का नाम, गोत्र इत्यादि लेते हैं। किस काम से आए हैं, किस कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं, वो काम पूर्ण हो उसके लिए क्या करना चाहते हैं हम, मतलब सत्यनारायण कथा पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे, कौन सा मंत्र जपेंगे, ये सारा कुछ हम लोग प्रधान संकल्प बोलते हैं। किन किन देवताओं का पाठ करेंगे, कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं, किस उपचार से करेंगे, षोडशोपचार, पंचोपचार, दसोपचार, 3200 उपचार, जितने भी उपचार हैं जो भी करें उसको बोलते हैं। ठीक, संकल्प करने के बाद सर्वप्रथम मेरे अनुसार अगर आप लोग माने तो सर्वप्रथम दीपक का पूजन करना चाहिए। कुछ लोग पहले पृथ्वी का पूजन करते हैं फिर दीपक का, जैसा आपसे बने, जैसा आप उचित समझे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहले दीपक का पूजन फिर पृथ्वी का पूजन, या फिर पहले पृथ्वी का कर लें तब दीपक का करें, कोई दिक्कत नहीं। पूजन करने के बाद फिर क्या करें, फिर गौरी गणेश कलश आदि का स्पर्श करें। आपने देखा होगा, ना देखे हो तो देखने का प्रयास करिए। कहीं भी पूजा में जाइए तो वहाँ पंडित जी लोगों को देखिए, दाहिने हाथ से यजमान को स्पर्श करवाते हैं। पहले पृथ्वी को स्पर्श करवाते हैं, फिर गौरी को, फिर गणेश को, फिर कलश को, फिर कलश में रखे हुए जो आम की पत्ती होती है, आम की पत्ती को स्पर्श करवाते हैं। उसके बाद कलश के अंदर जो कलश के ऊपर जो धान्य रखा होता है, जौ या चावल या धान्य रखा होता है, उसको स्पर्श करते हैं। ठीक, ये स्पर्श करने वाली क्रिया हुई। स्पर्श करते हुए इन सब का मंत्र बोला जाता है। पृथ्वी को स्पर्श करते हुए पृथ्वी का मंत्र, गौरी को स्पर्श करते हुए गौरी का, इस प्रकार गणेश जी को स्पर्श करते हुए गणेश जी का, सबका मंत्र बोला जाता है। ठीक, यदि आप लोग कमेंट करें कि इस क्रम को मैं आपको मंत्र के साथ साथ बताऊं, जैसे शुरुआत में मैंने मंगला चरण के साथ मंगलम भगवान बोला, इस प्रकार एक एक क्रम के साथ एक एक मंत्र कम से कम बोलता जाऊं, तो आप लोग बताइए तो मैं मंत्र के साथ लाऊंगा, भले ही कितना बड़ा वीडियो हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार स्पर्श करने के बाद फिर लास्ट में हम कलश के अंदर जो कलश के ऊपर नारियल और जो इत्यादि रखा रहता है उसको हटाकर एक साइड में रख देते हैं, और कलश के अंदर हम लोग कुछ द्रव्य डालते हैं। क्या डालते हैं, तो यदि आप पुस्तक में देखेंगे तो उसमें दिया रहता है सर्व औषधि है, कुशा है, दूर्वा है, हल्दी है, पैसा है, सुपारी है, ये सारा कुछ उसमें, सर्व औषधि है, पंचरत्न है, ये सारा कुछ सप्त धान्य फिर ऊपर रख करके ढक दिया जाता है। ठीक, ये सारा कुछ डालने के लिए दिया रहता है। डालने के बाद क्या करें, फिर कलश का ध्यान करें, प्रतिष्ठा करें। ठीक, और उसके बाद गौरी गणेश का पूजन करते हैं। क्या करते हैं, गौरी गणेश का पूजन। अब पूजन का क्या क्रम रहेगा उसको ध्यान दीजिए। पूजन का क्रम का हम बात करें तो वहाँ पर एक चीज़ आपको बताते चलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो क्रम है यही क्रम आप किसी भी देवता का पूजन करवाएं, किसी भी देवता का, आप गौरी गणेश का पूजन करवा रहे हों, आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करवा रहे हैं, आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ठीक, या फिर आप सत्चंडी, महामृत्युंजय या कोई भी यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, इसी क्रम से आप पूजन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा विधान है। ठीक, इसके अलावा और से विधान हैं, इनसे छोटे भी हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी देवता का पूजन करते हैं तो उनका हम ध्यान करते हैं। ध्यान में क्या करते हैं, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के जो सामने मूर्ति रखी है, हम ऐसा आँख मूंद करके ध्यान करते हैं कि हे प्रभु, आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्वरूप में हैं, मुझे नहीं पता,
परंतु आप मेरे इस सामने रखी हुई मिट्टी स्वरूप में आकर के मेरा पूजन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से भाव बनाते हुए हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ठीक, ध्यान के बाद आवाहन, हमने ध्यान कर लिया कि आप इस प्रकार के हैं, अब आप आकर के यहाँ विराजिए, ये हुआ आवाहन। ध्यान आवाहन के बाद आसन, आसन एक पुष्प से दिया करते हैं। ठीक, थोड़ा सा पुष्प भगवान सामने रख देते हैं कि आप प्रभु इस मिट्टी में आ गए हैं, अब आप विराजिए। ठीक, उसके बाद प्रतिष्ठा करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ समझने के लिए है, प्रतिष्ठा हम तभी करते हैं जब, जैसे मान लीजिए आज पूजन हम करवा रहे हैं और आज हम प्रथम दिन पूजन करवा रहे हैं, पहले से प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है तो उसका हम प्रतिष्ठा करवाएंगे। मनो ज्योतिर्जुगता इत्यादि मंत्र हैं उनको बोल करके, या फिर लौकिक मंत्र अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय माम हेति च कश्चन, इस मंत्र को बोल करके और प्रतिष्ठा करना चाहिए। अब आपको एक जानकारी दें, जैसे मान लीजिए आज हमने प्रतिष्ठा करवा दिया, अब कल हमको और पूजा करवाना है उसी दिन उसी का। ठीक, जैसे कि महामृत्युंजय करवाना है, महामृत्युंजय 7 दिन में चल 7 दिन तक चलता रहता है, सत्चंडी है, नवरात्रि का पूजन है, नवरात्रि के पूजन में केवल प्रथम दिन हम इस प्रतिष्ठा को करवाएंगे, उसके बाद 9 दिन नहीं, 9 दिन भी क्या करेंगे, आवाहन भी नहीं करेंगे क्योंकि आवाहन पहले दिन कर लिए हैं, फिर क्या करेंगे, आसन भी नहीं देंगे क्योंकि आसन तो हम पहले दिन दे दिए हैं, सीधे ध्यान करेंगे और ध्यान के बाद अर्घ आचमन स्नान वस्त्र उपवस्त्र इत्यादि शुरू कर देंगे। ठीक, प्रथम दिन के पूजन में, पहली बार पूजन में हम ध्यान करते हैं, फिर आवाहन, फिर आसन, उसके बाद प्रतिष्ठा करते हैं। प्रतिष्ठा करने के बाद फिर पाद्य, पाद्य क्या होता है, पैर धुलाना समझ लीजिए, अर्घ, अर्घ देना, फिर आचमन, उसके बाद स्नान। लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर करते हैं तो कैसे कर देते हैं, पाद्य, अर्घ, आचमन और स्नान, इन चारों के लिए हम 4 बार आचमन से जल या तो स्नान करा देते हैं या फिर बगल में घुमा करके डाल देते हैं, ये हुआ। ठीक, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान के बाद फिर वस्त्र, स्नान करने के बाद व्यक्ति क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए वस्त्र। ठीक, तो स्नान कराने के बाद वस्त्र, वस्त्र के बाद उपवस्त्र, वस्त्र हम लोग 2 पहनते ना, एक उपवस्त्र और एक वस्त्र, उपवस्त्र मतलब आप अंगोछा समझ लीजिए। ठीक, वस्त्र हो गया, उपवस्त्र हो गया, तो वस्त्र के बाद करवा, यहाँ पर देखिए लिखा है ना आचमन, और उपवस्त्र के बाद भी आचमन, तो वस्त्र पहना है, उपवस्त्र पहना है, तो आचमन करें। इसके बाद हम जनेऊ, जिसे शुद्ध शुद्ध यज्ञोपवीत बोला जाता है, फिर हम जनेऊ पहनाते हैं। अब देवी जी का पूजन कर रहे हैं तो यहाँ पर जनेऊ नहीं चढ़ेगा। ठीक है, जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तब जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ चढ़ाने के बाद फिर क्या करें, आचमन करें, कितनी बार करें, 2 बार आचमन, और बाकी जगह पर 1 बार आचमन किया जाता है, लेकिन जनेऊ चढ़ाने के बाद, जनेऊ पहनाने के बाद 2 बार आचमन। ठीक, फिर क्या करें, गंध चंदन, गंध मतलब अष्टगंध इत्यादि जो महकने वाले चंदन हैं, उन चंदनों को भगवान को लगाना चाहिए। ठीक, चंदन के बाद फिर अक्षत, इस क्रम को आप लिख लीजिएगा, आपसे बहुत निवेदन है। ठीक है, और यदि आप इस क्रम से पूजा करवाने लगे तो कोई भी विद्वान आपको ये नहीं कहेगा कि पंडित जी ये नहीं करवाएं वो नहीं करवाएं, आपको सारा कुछ याद भी हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर गंध के बाद चंदन के बाद, चंदन के बाद अक्षत, अक्षत के बाद पुष्प और माला, यदि माला है तो सब जगह माला पहनवा दीजिए, माला पहनाने के बाद थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए, यदि मान लीजिए फूल सीमित मात्रा में तो माला केवल पहना दीजिए, और ऐसा हुआ कि माला भी नहीं है केवल फूल है तो सब जगह फूल चढ़वा दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नंबर बिल्वपत्र, जिसे बेलपत्र बोलते हैं शुद्ध देहाती में, बेलपत्र जो है वो जिन देवताओं को नहीं चढ़ता उनको छोड़ करके बाकी सब जगह चढ़ा दें, जैसे सूर्य भगवान को बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता। ठीक, इसके बाद नंबर आता है दूर्वा, दूर्वा अर्थात देहात में बोलते हैं दूब, दूब घास। ठीक, तो दूर्वा को जो है भगवान माँ दुर्गा जी को छोड़ करके बाकी सब जगह चढ़ता है। गणेशस्य तुलसी पत्रम दूर्वाम नैव तु दूर्वया, ठीक, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती है, तो गणेश जी बाकी सभी देवी देवताओं को दूब चढ़ाइए केवल दुर्गा जी को छोड़कर। ठीक, आगे बात करें शमीपत्र, शमीपत्र लगभग सब देवताओं को चढ़ता है तो शमीपत्र चढ़ाएं, न देवताओं को चढ़ाएं तो कलश में अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी, तुलसी भगवान राम कृष्ण हनुमान इत्यादि का पूजन कर रहे हैं तो तुलसी चढ़ाएं, भगवान शंकर जी का पूजन कर रहे हैं तो तुलसी न चढ़ा करके तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। ठीक, और देवताओं को चढ़ाएं या न चढ़ाएं कलश में अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद नंबर आता है अबीर गुलाल,
अबीर आप सब जानते हैं, जो होली में तिलक लगाया जाता है उसे हम अबीर कहते हैं। उस अबीर को चढ़ाएं। अबीर को चढ़ाने के बाद फिर क्रम आता है सिंदूर का। अबीर के बाद सिंदूर का। आपने गांव में देखा होगा पंडित जी लोग कहते हैं, अरे हरदी सिंदूर लगावा जल्दी से, चावल वावल फूल उल चढ़ा के पूजा हो ही गए। ठीक, लेकिन कहाँ हल्दी गंध अभी कहाँ आया था? गंध मतलब ये देखिए, गंध चंदन यहाँ क्रम में आ रहा है और सिंदूर इसके कितने देर बाद आ रहा है, लेकिन पंडित जी लोग सब चौपट कह देता है हरदी सिंदूर साथ में लगवा के। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? गंध चंदन अक्षत पुष्प धूप दूर्वा बिल्वपत्र शमी पत्र इत्यादि चढ़वाने के बाद अबीर। अबीर के बाद फिर यहाँ पर क्रम आता है सिंदूर का। ठीक है, सिंदूर के बाद सेंट, जिसे हम इत्र कहते हैं। मान लीजिए इत्र ना हो तो अक्षत चढ़ा दें, या फिर कुछ ना चढ़ाएं तो आगे वाले क्रम में चलें। ठीक, इत्र के बाद, इत्र के बाद नंबर आता है धूप बत्ती। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा लेक्चर दूंगा। इत्र जो है ना, इत्र में इत्र ही रखिए जो फूल का बना हुआ हो, ऐसे सेंटों को आप रखिए। स्प्रे मत रखिए, आप सेंट ना रखिए, जो स्प्रे आता है आजकल परफ्यूम बोलते हैं उसको मत रखिए। मेरी आपसे सलाह है, पूछेंगे क्यों? क्योंकि वो सारे जो होते हैं, ऐसे कोई भी स्प्रे वगैरह आप लेंगे तो एक गैस से बनते हैं। ठीक, जैसे पेट्रोल बनता है उस प्रकार से गैस से बने हुए होते हैं। ऐसे सेंट अर्थात स्प्रे को उपयोग करने से राहु केतु या शनि इत्यादि जो क्रूर ग्रह हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इनको पूजन में नहीं प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ें। धूप बत्ती, इत्र के बाद धूप बत्ती, धूप के बाद दीप बत्ती, धूप दीप के बाद नैवेद्य। धूप दीप के बाद भगवान को आचमन करें, हाथ धुलें, हाथ धुलने के बाद फिर नैवेद्य अर्थात प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में क्या चढ़ाएं? तो प्रसाद में मीठा चढ़ाना चाहिए, कुछ भी, बताशा है, मिठाई है, लड्डू है, पेड़ा है, कुछ भी, ठीक है, इत्यादि ये सारे नैवेद्य अर्थात प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद पुनः आचमन करना चाहिए। कितनी बार आचमन करें? देखिए, कुछ विद्वान 3 बार कहते हैं, कुछ लोग 5 बार कहते हैं, तो अपने अनुसार आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आचमन के बाद फिर क्या करें? पंचग्रास। अब मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ किस प्रकार से पांच ग्रास होता है, लेकिन अपने उंगलियों को स्पर्श करते हुए पांचों उंगलियों को 5 बार बोलते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। ये 5 बार स्वाहा बोल करके अपने पांचों उंगलियों को भगवान को दिखाते हैं, इसे हम बोलते हैं पंचग्रास। ठीक है, इसके बाद करो द्वर्तन चंदन। अभी इसको थोड़ा सही से समझ लीजिए। कर कर माने क्या होता है? कर माने हाथ होता है। उद्वर्तन मतलब बदलना, हाथ को क्या करें, चंदन लगा करके और बदल करके भगवान के ऊपर चढ़ाएं। इसके बाद नंबर आता है तांबूल। तांबूल मतलब पान सुपारी लौंग और उस इलायची, उसे हम बोलते हैं तांबूल। तांबूल, तांबूल के बाद फिर आता है ऋतु फल। ऋतु मतलब मौसम, मौसम के अनुसार जो फल हो उस फल को चढ़ाना चाहिए। फिर आता है नंबर श्री फल अर्थात नारियल। फल के बाद श्री फल नारियल। ठीक, अब ऐसा है जैसे मान लीजिए कई दिन की पूजा है, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन की, और नारियल ना ला पाए तो प्रथम दिन चढ़वा देना चाहिए बस। ठीक, श्रीफल के बाद नंबर आता है दक्षिणा। देखिए, पूजन के क्रम में लगभग दक्षिणा सबसे लास्ट में आती है, और दक्षिणा भी यथाशक्ति चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा के बाद नंबर आता है विशेष अर्घ। विशेष अर्घ क्या होता है? एक प्याले में थोड़ा जल, हल्दी, सिंदूर, चंदन, कुमकुम, दूर्वा इत्यादि रख लेना चाहिए, कुछ पैसा रख लेना चाहिए, और इसी में बहुत से आचार लोग मीठा और फल भी रखा लेते हैं, जरूरी नहीं, आप चाहें तो रखा सकते हैं अपने अनुसार। ठीक, और इसी विशेष अर्घ को भगवान गणेश जी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, अपने तरफ करके छोड़ा जाता है। विशेष अर्घ छोड़ने के बाद प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा करने के बाद फिर क्रम आता है पुष्पांजलि, प्रार्थना, उसके बाद हवन आरती। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो देवता विशेष देवता हैं, प्रधान देवता, इसी क्रम से उनका पूजन करने के बाद, उनका पूजन करने के बाद आप पुष्पांजलि प्रार्थना नहीं बोलेंगे, इसीलिए इसको कोष्टक में कर दिया गया है। तो कब बोलेंगे? तो आप प्रदक्षिणा तक उसी तरह से करेंगे, फिर प्रधान देवता का पूजा जो कर रहे हैं तो वहाँ पहले आप हवन करेंगे, फिर आरती करेंगे, और हवन आरती के नीचे आप फिर से देखिए तो वहाँ पर लिखा है पुष्पांजलि और प्रार्थना, इसीलिए लिख दिया गया है, और यहाँ कोष्टक में नहीं है।
क्योंकि यदि आप प्रधान देवता की पूजा नहीं करवा रहे हैं तो आप पुष्पांजलि प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रधान देवता की पूजा करवा रहे हैं इसके बाद आपको और पूजा नहीं करवाना है, तो आप पहले हवन करिए, हवन के बाद आरती करिए, फिर पुष्पांजलि, फिर प्रार्थना और लास्ट में समर्पण। समर्पण क्या होता है? तो दाहिने हाथ में एक आचमन जल रख लिया जाता है और बोला जाता है अनेन कृतेन पूजनेन, जो देवता का पूजा किया गया है, मान लीजिए गणेश जी दुर्गा जी इनका पूजा किया गया है, तो गौरी गणेश दुर्गा कलश पृथ्वी दीपक इत्यादि देवी देवता पूजनम प्रियताम नमम। इस प्रकार से आप हवन के बाद आरती, आरती के बाद पुष्पांजलि और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद फिर यजमान को, यजमान के हाथ में कलावा बांध देते हैं, कलावा बांधने के बाद यजमान को प्रसाद दे देते हैं। इतना करने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 62 नंबर जो क्रम है उसको छोड़ दिया गया है, इसीलिए छोड़ दिया गया है। यहाँ पर हम संकल्प करवाते हैं। क्या करवाते हैं? संकल्प। यजमान से दक्षिणा का, जैसे हम आचार्य का दक्षिणा अलग हो गया, पंडित जी हैं तो पंडित जी का दक्षिणा हो गया, यजमान मान लीजिए गरीबों को कुछ दान देना चाहते हैं तो भूश्री दक्षिणा हो गया, गौदान करना चाहते हैं तो गौदान करवा दीजिए, कन्या इत्यादि ब्राह्मण इत्यादि भोजन करने के बाद कुछ दान करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर संकल्प करा दीजिए, इसीलिए इस क्रम को यहाँ छोड़ दिया गया। ठीक, संकल्प करने के बाद फिर क्या करें? फिर यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक किससे करें? जो आपने कलश रखा था उसी कलश का जल निकालिए, उसी से यजमान का अभिषेक करिए। ठीक, अभिषेक करें। अभिषेक के कौन से मंत्र हैं? तो अब देखिए मंत्र बताने के यहाँ पर समय नहीं है। अभिषेक के बाद करते हैं विसर्जन। जो भी देवी देवताओं को बुलाए हैं उनको हम विसर्जन करते हैं, कलश इत्यादि को हिलवा देते हैं, सारी वेदियों को, प्रधान वेदियों को हिला करके एक साइड, मतलब थोड़ा थोड़ा हिला देते हैं कि प्रभु आप जहाँ से आए वहाँ पर जाइए, भगवान लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी और नारायण, भगवान गणेश जी और लक्ष्मी, लक्ष्मी जी तो हो चुके हैं, कुबेर जी, ये सभी लोग हमारे घर में निवास करें, बाकी जो आवाहित देवता हैं वो सारे लोग स्वा स्वा स्थाने गक्ष, मतलब अपने अपने स्थान को जाएं, ऐसी हम आपसे सब विनती करते हैं। इतना करने के बाद फिर जयकारा लगवाना चाहिए। जयकारा लगवा करके फिर अपने आसन के नीचे जल डालना चाहिए, जल छोड़ करके उसको मस्तक में, माथे में लगाना चाहिए, और इंद्राय नमः, शक्राय नमः, या फिर कुछ जगह हमने सुना है इंद्र चौराय नमः, यह शब्द बोल करके और मस्तिष्क में जल लगा देना चाहिए। भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लेना चाहिए। जो आचार है आचार को प्रणाम करे, और पूजन स्थान से उठ करके अपने घर के बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से ये पूजन का टोटल क्रम था। देखिए मैंने इसको 66 पॉइंट में लिखा है, और कहा जाता है कि पूजन जो है वह षोडशोपचार होता है, या फिर दसोपचार होता है, या फिर पंचोपचार होता है। अब आप सोचिए कि ये 67 उपचार कहाँ से आ गए? ये 67 उपचार मतलब इसमें हमने टोटल एक एक चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत सरल तरीके से बताया है। अब इसको आप अगर लिख लेते हैं ना तो देख देख करके पूजन करवाने में थोड़ा समस्या होगी, लेकिन ये समस्या कितने जगह होगी? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, पांच या 10 जगह, इससे जगह ज़्यादा आपको ये समस्या नहीं होगी। यदि आप इसको एक कॉपी में लिख लेते हैं और इसी क्रम से आप पूजा करवाते हैं तो विश्वास मानिए 2-3 जगह आपको दिक्कत होगी, उसके बाद एक क्रम आपको याद हो जाएगा। चाहे इसको लिख लीजिए या फिर जैसा कि आपको पहले बताया हूँ, ये वाले नंबर में आप संपर्क करिए, इस वाले नंबर में आप व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए पूजन क्रम। क्या भेजेंगे? पूजन क्रम PDF। इस प्रकार से जब आप लिख कर भेजेंगे तो उधर से एक PDF आ जाएगी, और उसे आप, उसके लिए आपको 21 रुपये, 21 रुपये उस बालक को देना पड़ेगा जिसने आपके पास PDF भेजा। ठीक, क्योंकि मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं सबको PDF भेजता रहूँ। कई लोग मतलब कॉन्टेक्ट करने लगते हैं, इस वजह से मैंने व्हाट्सएप दूसरे को सौंप दिया। ठीक है।